एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला बिजनौर के ब्लॉक हल्दोरा में स्थित धूमनपुर गांव पहुंची। इस समय मोहम्मद अशरफ को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 3200 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। लगभग 1600 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 400 राशन कार्ड धारक हैं। साथ ही यह भी पता चला कि गांव में एक भी पेंशन लाभार्थी मौजूद नहीं है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 220 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 42 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बस वो हैंडपंप और सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 70 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम पंचायत धूमनपुर जो केंद्र सरकार राज्य सरकार से जो लाभ मिला है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी उन लोगों की। मेरी अपील है मेरे गांव में बारात घर आवास, प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं आए और बारात घर भी बनना जरूरी है, बनी है। और जी हमारे गांव में जो भी राज्य सरकार केंद्र सरकार ने दिया उनकी बहुत बहुत मेहरबानी और हमने उनके आवास पर याद करा। नमस्कार।